मैं सीमा पवार वेलकम करती हूँ आपके अपने जैम में। आज एक और हम जो नई वीडियो लेके आए हैं स्पेशल रक्षाबंधन की, आप तैयारियाँ किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी आउटफिट को एक स्टाइलिश बना सकते हैं, तो सारे आइडिया हम वो देने वाले हैं। और प्लेन जो फैब्रिक रहेगा वो कोई भी आपका फैब्रिक हो सकता है, जैसे कि चिनोन का हो गया, आप थोड़ा पार्टी वेयर फैब्रिक लीजिए जिसमें थोड़ा शाइनिंग हो, इस तरीके का फैब्रिक लेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी ड्रेस बन के रेडी हो जाएगी। आप किस तरीके का फैब्रिक ले सकते हैं, उसमें जॉर्जेट ले सकते हैं, क्रेप ले सकते हैं, शिफॉन ले सकते हैं, या फिर उपाड़ा का कोई भी फैब्रिक आप ले सकते हैं, जिसमें आप डिज़ाइनर अच्छी से अच्छी साड़ियाँ रेडी कर सकते हैं, गाउन रेडी कर सकते हैं। इस तरीके की काफ़ी हम वैरायटी में आज आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप रेडी कर सकते हो, किस किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ में आप लगा सकते हैं, उसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आपको ये सारी दिखाई गई हैं। जैसे कि हमने नेक रखा है, नेक के साथ आप अपना डिज़ाइन करेंगे। ये हमारे पास सभ्यसाची के नेक हैं, इनके साथ हम डिज़ाइन करके बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सभ्यसाची वाली हमने लेस ली है, इसके साथ भी बताएंगे कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये कोड़ी वाली लेस आ गई, एक हमारे पास है ये वाली लेस, तो ये कटवर्क वाली है सारी लेस। तो आज हम ये साड़ी आपको दिखाएंगे, बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप कौन सी लेस को साड़ी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस नेक को आप अनारकली में या स्ट्रेट सूट में आप लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे कंटिन्यू रहना है और कहीं स्किप ना करें, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और इनमें से अगर आपको कोई चीज़ हमसे लेनी भी है, बाय करनी है, तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ मैं आपको आज प्लेन फैब्रिक दिखाने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो फैब्रिक रहेगा क्रेप में रहेगा। मैं अभी आपको क्रेप में, चिनोन में, उपाड़ा में इस तरीके से काफ़ी फैब्रिक दिखाने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा क्रेप वाला। इसमें फैब्रिक में काफ़ी सॉफ्ट रहता है, ये वाला फैब्रिक फ्लेरी वाला फैब्रिक रहता है। इसमें आप साड़ी बनाते हैं काफ़ी अच्छी लगती है। और इस पर जब ब्लाउज बनाएंगे, आप ब्लाउज स्लीवलेस ले सकते हैं, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ इस साड़ी को आप रेडी कर सकते हैं। जैसे कि साड़ी के लिए अभी हमने इस तरीके की कट वर्क वाली लेस ली है। आप कोई भी कट वर्क वाली इस तरीके से लेस ले सकते हैं और उसको पूरा बॉर्डर बना के इसको रेडी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये बेज कलर है और इसके साथ हमने तीन शेड वाली जो लेस है वो हमने ऐड की है। लेस के आप भी देख सकते हैं कलर सारे ही लाइट हैं, जैसे कि पीच और सी ग्रीन आ गया। आप इसके साथ अगर पीच का कंट्रास्ट करते हैं बेज के साथ, काफ़ी सुंदर लगता है, पूरा लाइट लाइट लगता है, जो कि गर्मियों के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें आप पीच कलर का ब्लाउज लेके और ये वाली लेस यूज़ करके आप इसके साथ साड़ी रेडी कर सकते हैं। आप कोई भी इसमें लाइट कलर लीजिए और इस तरीके से हल्की सी मल्टी कलर वाली लेस लीजिए और बिल्कुल आपकी काफ़ी अच्छी साड़ी बनके रेडी हो जाएगी, जो कि आपका फेस्टिवल आ रहा है, जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है, उसके लिए आप काफ़ी खूबसूरत साड़ी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है, आप इस तरीके से कोई भी लाइट कलर लीजिए और साड़ी अपनी रेडी कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड आर्टिकल आ गया, ये रहेगा हमारा चिनोन का फैब्रिक। और चिनोन का फैब्रिक में भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट वेट होता है। इसमें आप कोई भी जैसे अनारकली बनाना चाहते हैं, अनारकली काफ़ी अच्छा लगता है इसमें, या फिर आलिया वाला डिज़ाइन देना चाहें वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आलिया बना सकते हैं, नायरा बना सकते हैं, थोड़ा हल्का पार्टी वेयर लुक दे सकते हैं, आप फेस्टिवल पर पहन सकते हैं। और इस कपड़े में अगर आप आलिया और नायरा या फिर अनारकली इस तरीके का आउटफिट अपना बनाते हैं, काफ़ी खूबसूरत बनता है, काफ़ी फ्लेरी बनता है, लाइट वेट में रहेगा, इजीली आप उसको छोटी मोटी पार्टी में पहन के जा सकते हैं, आपका वेस्ट नहीं है। और इसके साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं दो नेक हैं, ये डार्क कलर में आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका लाइट कलर में। इसके साथ हम लाइट कलर का देने वाले हैं, देखिए इसमें इस तरीके से आ जाएगा लाइट और डार्क कलर के
नेक आ जाएंगे, आप लाइट के साथ लाइट लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मियों के अकॉर्डिंग हम ये ड्रेस रेडी करने वाले हैं। इसके साथ आप ये सभ्यसाची का इस तरीके से मल्टी कलर में कोई भी नेक आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आप इस तरीके से नेक लेके आइए और नेक पे इसको लगा दीजिए, और स्लीव्स पे आप हल्की फुल्की लेसेस लगा सकते हैं, या फिर आप स्लीव्स पे भी दोनों साइड में आप लेसेस उसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप आलिया या फिर नायरा बना के इसको रेडी कीजिए, आपका पार्टी वेयर काफ़ी सुंदर सूट बनके रेडी हो जाएगा। अगर आप छोटा सा गला ही लगाते हैं उसे हाईलाइट होता है, सबका फोकस आपके नेक पे जाता है, इससे काफ़ी अच्छी आपकी आउटफिट बनके रेडी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको ये स्टाइल पसंद आता है और फिर अगर आपको अच्छा भी लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है, ये बना हुआ रेडी हम करके दिखाएं उस तरीके से देखना है तो जल्द जल्द कमेंट जरूर कीजिए, हम इस तरीके के आउटफिट बना के रेडी करके आपको जरूर दिखाएंगे। एक और कलर आ गया है जो कि येलो कलर रहेगा, मस्टर्ड कलर है, काफी अच्छा कलर रहेगा। इसमें आप बना सकते हैं डबल लेयर वाला जो अम्ब्रेला होता है, डबल उसमें हम जो कटिंग करते हैं उसकी हमने कटिंग और स्टिचिंग प्लेलिस्ट में है हमारी, उसमें घेरा काफ़ी आता है जो कि इस तरीके का फैब्रिक 8 या 9 मीटर फैब्रिक उसमें लगता है, उस तरीके की ड्रेस इसमें काफ़ी अच्छी लगेगी, तो आप ये ड्रेस में बनवा सकते हैं इस तरीके के फैब्रिक में, और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी कराना चाहें हल्की सी नेक पे एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं, या फिर चाहें आप इसमें लेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी का बजट नहीं है, बजट ज़्यादा लगता है, तो आप इसमें इस तरीके की जैसे कि हम इस पर यूज़ करने वाले हैं जो अभी सभ्यसाची वाली लेस है ये, और आप देख सकते हैं इस तरीके की हैंडमेड लेस होती हैं, बजट थोड़ा कम भी लगता है, एम्ब्रॉयडरी से कम खर्चा आता है, और इसके साथ आप अगर ये लेस यूज़ करके आप इसको रेडी करेंगे काफ़ी सुंदर आपका जो अम्ब्रेला है फ्रॉक वाला सूट है 8 मीटर में आप इसका बनाएंगे, बिल्कुल पार्टी वेयर और अच्छा बनने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हैवी नहीं बनाना तो आप 5.5 मीटर में भी नॉर्मली अम्ब्रेला भी बना सकते हैं, बट अगर आपको विदाउट ज्वाइंट वाला बनाना है तो आपको 9 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं, और उसकी कटिंग स्टिचिंग भी आप हमारी जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको आपको बिल्कुल सिंपली यूज़ करना है, इस तरीके से आप स्क्वायर नेक के साथ इसको रेडी कर सकते हैं, बीच में आप मल्टी कलर के पोटली बटन दे सकते हैं यहाँ पे, और इसका वी नेक रख सकते हैं या फिर राउंड नेक, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके की ड्रेसेस में, और इसको स्लीव्स पे बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा हैवी और दिखाना है तो आप नीचे की साइड भी इसको पूरा बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके साथ नेट का दुपट्टा ले लीजिए जो कि बिल्कुल सॉफ्ट वाली नेट आती है, इस तरीके का दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा उपाड़ा का, उपाड़ा में आ जाएगा जो कि हमने मेहंदी कलर लिया है, और ये कलर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर है। इसके साथ जो हम यूज़ करने वाले हैं कोडी की लेस यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है, कोडी की लेस भी काफ़ी अच्छी भी लगती है, उसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नेक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट नेक भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप ये सभ्यसाची वाला जो नेक है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आप चाहें लॉन्ग सूट बना के स्ट्रेट और उसके साथ पैंट बना सकते हैं, या फिर आजकल काफ़ी जैसे ट्रेंडिंग में है पाकिस्तानी सलवार बना सकते हैं लॉन्ग सूट के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, और ये वाला नेक आप यूज़ कर सकते हैं। नेक के साथ आप चाहें ये कोड़ी वाली लेस है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली लेस भी आप अलग से मार्केट से खरीद के इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ भी आप इसको लगा सकते हैं तब भी काफ़ी अच्छी लगेगी, और अलग से भी इस तरीके से कॉडी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो इसको आप योक बना के इसका इस तरीके से इसका आप योग बना सकते हैं, और बीच में कोड़ी जो ये हैं इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, आप इन कोड़ियों को अलग से
बटन टाइप में लगते हैं ये और काफ़ी अच्छे लगते हैं लगने के बाद भी। आप नीचे जब दामन हमारा जो बनाते हैं उस पर नीचे हैंगिंग की तरह इनको स्टिच कर सकते हैं। इसके अंदर आपको छेद भी मिलता है जो आप इजीली सुई से इसको कर सकते हैं आराम से। पूरा घेरे पे लगा दीजिए और आप स्लीव्स पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ये आउटफिट रेडी कर सकते हैं। अगर इसको पठानी भी बनाना चाहते हैं तो पठानी भी इस तरीके की आउटफिट काफ़ी अच्छी लगती है। और इसमें जो दुपट्टा लेंगे आप दुपट्टे को डबल शेड में टाई एंड डाई में रेडी करा सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। आज की हमारी यही वीडियो थी, तो आप सबको कैसी लगी है और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आज के हमारे सारे ये आइडिया आप सबको कैसे लगे हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी हमारा आइटम पसंद आता है, फैब्रिक पसंद आता है, लेस पसंद आता है या नेक पसंद आता है वो भी आप हमसे बाय कर सकते हैं। तो आज की फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।